कितने इश्क लिख गए, कितने इश्क सिखा गए, असली इश्क क्या होता है, पुलवामा के शहीद दिखा गए। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। इस मौके पर देश शहीद हुए अपने वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में त्रिवेणीगंज के युवा ने भी कैंडल मार्च निकालकर उन शहादत को सलाम किया और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बता दें, आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को करीब 3:15 बजे एक आतंकी घटना ने देश को झकझोर दिया था। आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर सीआरपीएफ का काफिला पर हमला कर दिया था। काफिले में अधिकतर बसें थीं जिनमें जवान बैठे थे। जैसे ही ये काफिला पुलवामा पहुंचा, तभी दूसरी तरफ से एक कार आई और काफिले की एक बस में टक्कर मार दी। कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था। टक्कर होते ही बड़ा विस्फोट हुआ, इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। तो आइए, त्रिवेणीगंज के युवाओं ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जिस रोज खड़ा करेंगे, खुद का साम्राज्य खड़ा करेंगे। पाकिस्तान तो क्या चाइना को भी खरीद लेंगे, और कश्मीर पे नजर बिठाया तो लाहौर भी छीन लेंगे। 2019 में पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हमला किया गया था, जिसमें हमारे 40 वीर जवान जो है शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, उन्हीं के याद में आज हम लोग बरसी में कैंडल मार्च निकाले हैं, जो विज्ञान कॉलेज स्थानीय विज्ञान कॉलेज से निकाला गया है और मार्केट के विभिन्न मार्गों को होते हुए अभी स्थानीय दुर्गा मंदिर में हम लोग समापन करेंगे। 2 मिनट का मौन रख के उनके लिए समापन करते हैं। 2019 में हमारे जो देश के सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए थे, हम लोग उसी के यादगार में हर वक्त जो है हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उनकी याद में हम लोग जो है ये ब्लैक डे मनाते हैं हर वर्ष की तरह। और जब तक शरीर में श्वास चलेगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तब तक हम देश के नौजवानों के साथ उनकी जो शहादत हुई उनको हम याद करते रहेंगे।